कितने परेशान हो गए, आज तक गुर्बत ही बना के आए हैं, पर आज ये गुर्बत नहीं बनी। आज मैं एक पवित्र काम करके आ रही हूँ। अरे कौन सी काम करके आए भौजी? अरे विमल जी, अपना सुरेश जिले की है ना, उनका बंगला छत्ता निशान है ना, अरे उसी पर मैं मोहर लगा के आ रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। छापे निशान वाले बटन को ही दबा कर आ रही हूँ। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, ऐसे पढ़े लिखे इंसान को वोट डाला आई हो, जो कि बहुत योग्य है, एक इंजीनियर है। हाँ। और कुछ बिना पद संभाले हुए विगत 15 वर्षों से वो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के हर व्यक्ति के साथ ताल में ताल मिलाकर हर काम को ठीक ढंग से उन्होंने किया है। बाबूजी, अगर ऐसे ही पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो हम जैसे युवाओं का विकास होगा, रोजगार मिलेगा। अरे देवल जी, हम तो नेक काम करके चले आए, पर ये बताओ क्या आप लोगों ने उधर गए या नहीं गए हैं अभी तक? हम तो नहीं गए हैं, सोच ही रहे थे। कुछ विपक्षी पार्टी वाले आए थे, वो प्रलोभन दे रहे थे हम लोगों को कि ये करवा देंगे वो कर। नहीं भैया, किसी के प्रलोभन में मत करिए। अच्छा, कुछ मत सोचिए, जो हम लोग के कदम कदम पर हमारा सहायता के लिए मदद के लिए वो सुरेंद्र विवेक जी खड़े रहे, तो आज हम क्यों सोचे किसी और के बारे में? सही कहते हो बहन जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। एक ऐसे पढ़े लिखे युवा और सच्चे समाज सेवक का हम लोग साथ देंगे कि अपने क्षेत्र का विकास करे। ठीक है बहन जी, तो ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं गुनगुनाते हुए हम लोग चलते हैं। कैसे कैसे? सुरेंद्र जी को लाना है, 1, 2, 3, 4 सुरेंद्र जी को लाना है, इनको जिताना है, सुरेंद्र जी को लाना है, इनको जिताना है, सुरेंद्र जी को लाना, इनको जिताना, सुरेंद्र जी को लाना, इनको जिताना। अब की बारे बंगेला का बटन दबाना है, अब की बारे बंगेला का बटन दबाना है। और सुरेंद्र विवेक जी का क्या कहना है बहनों भाइयों? क्या? कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपना फर्ज निभाने में। साहेबपुर कमाल विधानसभा सबसे आगे पूरे ही बिहार में। अक्टूबर का महीना चुनाव का समय है, बहुत सहे हमने सबकी भ्रष्टाचारी, अब आएगी फिर से लोजपा न, अब घोटाले होंगे, अब हम डरेंगे और अपने क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए सुरेंद्र विवेक जी को लाना है। तो कैसे? सुरेंद्र जी को लाना है, अरे इनको जिताना है, अब की बारे बंगेला का बटन दबाना है, अब की बारे बंगेला का बटन दबाना है। उम्मीद होगा दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं माताएं एवं बड़े बुजुर्गों, हमारे चाचा को, हमारे चाची को समझ लिया गया। मैं भी अंधकार में भटक रहा था लालच में, लेकिन चाची ने हमें दिमाग दिया कि ऐसे व्यक्ति को लाना है जो 24 घंटा हमारे क्षेत्र में होते हैं, हमारे सुख दुख में काम आते हैं। तो बहनों भाइयों, आप लोगों से अपील करूंगा कि 3 तारीख बंगला 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 के सामने वाले बटन दबाकर भाई सुरेंद्र विवेक जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। कहते हैं
ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, विधायक एक इंसान चाहिए, इंसान चाहिए वो श्री सुरेंद्र विवेक जी चाहिए, वीर चाहिए, योद्धा चाहिए, लड़ाकू और जुझारू चाहिए, साहेबपुर विधानसभा के जनता के अरमान चाहिए वो श्री सुरेंद्र विवेक जी चाहिए, सुरेंद्र विवेक जी चाहिए। लूट रहे हैं नारी के तन, लूट रहे हैं नारी के तन, उनका भी जीवन चाहिए। जला दिया जाता है आग में जिसे, भर कर लाते हैं मांग में से लूर से, हमें दुर्योधन नहीं, हमें दुशासन नहीं, हमें वो राम चाहिए, वो सीता चाहिए, वो सावित्री चाहिए, वो श्री सुरेंद्र विवेक जी चाहिए, वो श्री चिराग पासवान जी चाहिए, चिराग पासवान जी चाहिए, चिराग पासवान जी चाहिए।